मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल गई थी एमएलसी कराने, ठीक है, और सुबह से यहाँ पे न्यूज वाले आए हुए थे, मुझे इस वक्त सड़कों पे जाना है, मुझे आवाम के बीच जाना है, और हम देखिए हमें ये मैसेज देना है कि हम डर के घर नहीं बैठेंगे, हम इन्हीं सड़कों पे उतरेंगे और इसी जाति के खिलाफ बढ़ेंगे। इस वक्त हमें सड़कों पे उतरना है और हम आवाम के साथ जाना है। रात क्या हुआ है, बस थोड़ा सा बता दीजिए, चलते 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 बता दीजिए, चलते चलते बताइए कि रात क्या हुआ है, थोड़ा नीचे रखिए माइक, देखिए चलते चलते पीछे हमारे पापा का फोन कहाँ है, ठीक है ठीक है, और वो सुनिए एक सेकंड, हमारे आधार कार्ड में वो असला मंगल तक या तो फोटो खींच के पहुँचा दीजिए। रात क्या हुआ है रीमा? देखिए कल के तैयब मस्जिद के वाकये से सभी वाकिफ हैं। तैयब मस्जिद पे कल जुमे की नमाज के बाद 50,000 रुपए पकड़ाए गए हैं इमाम साहब को, और माइक पे ऐलान किया गया कि ये हम डोनेशन चंदा दे रहे हैं, 50,000 रुपए अभी और भिजवाएंगे घर जाके, और आप जो है झाड़ू को वोट दें। अच्छा, खुल्लम खुल्ला यहाँ पे वोट खरीदने की पूरी पूरे हथकंडे आजमाए गए हैं कल। इनके डर और खौफ का आलम देखिए आम आदमी पार्टी के काउंसलर साहब का, कि इन्हें अपनी जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है, तो अब ये इन हरकतों पे उतरेंगे कि ये लोग, अरे आपने यहाँ की आवाम को क्या समझ रखा है, यहाँ की आवाम बिकाऊ नहीं है, यहाँ की आवाम पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। बहुत गुमराह कर लिया केजरीवाल जी ने यहाँ के लोगों को, मुसलमानों पे किस कदर की ज्यादतियाँ हुई हैं इस इलाके में, अब पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है यहाँ की आवाम, तुम आप धर्म, मतलब ये धर्म की राजनीति के मस्जिद में आप जाके पैसे दे रहे हैं कि वोट दीजिए हमें, किस कदर गिरे हुए शख्सियत है ये, किस कदर गिरी भी सोच है इन लोगों की, कि ये मुसलमानों को सोचते हैं कि हम पैसों के बलबूते पे खरीद लिए जाएंगे। यहाँ के अवाम इंशाल्लाह इस बात का यहाँ के नुमाइंदों को जवाब देगी, आम आदमी पार्टी को जवाब देगी, और इनकी जमानत जब्त होगी। रात कितने बजे की ये वारदात? देखिए वो तैयब मस्जिद पे जो वाकया हुआ, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने वहाँ पे हंगामा खड़ा करा और कहा कि देखिए यहाँ हमारे पास कॉल्स आए, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के कॉल्स आए हमारे पास, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोग फौरन यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, धर्म की राजनीति करी जा रही है, वोट खरीदा जा रहा है खुल्लम खुल्ला। और उस वक्त पे मैं मीटिंग्स में थी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई थी, कैंपेन कर रहे थे हम लोग, तो हमारे वालिद साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँच के लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी हुई थी वहाँ पे, और लोगों ने कहा कि आप आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ फौरनी तौर पे। तो जब हमारे वाले साहब वहाँ पहुँच के उन्होंने आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी, तो वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, एसआई आए, और पुलिस वालों ने आके कहा कि इसकी परमिशन लेने की आपको परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अरे किस बात की परमिशन, हमारा पर्सनल कैंपेन मीटिंग थोड़ी था, वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स इकट्ठा थे, उन्होंने बुलाया था हमें वहाँ पे बोलने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए जुल्म के खिलाफ। और उसके बाद जो मेन मुद्दा था, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है जो कल वहाँ इंसिडेंट हुआ है, सीसीटीवी फुटेज को गायब करने की पूरी पूरी कोशिश करी इन लोगों ने, पुलिस ने, लेकिन वहाँ के रेजिडेंट्स अड़ गए कि ये एविडेंस के तौर पे एफआईआर के साथ लगाई जाएगी ये फुटेज। और देखिए वहाँ पे सारा मुद्दा जो था, चलिए चलते रहिए प्लीज, मैं एक सेकेंड, हरीबा हम तुम्हारे साथ हैं, हरीबा तुम संघर्ष करो, हरीबा तुम संघर्ष करो, पुलिस ने वहाँ पे, हरीबा तुम संघर्ष करो, वहाँ पे वार्ड 188 के बाकी, हरीबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हरीबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वार्ड 188 के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो भी वहाँ पहुँचे थे उस वक्त, उन्होंने भी वहाँ पे मीट, वो जो पब्लिक इकट्ठा थी वहाँ पे उन्होंने भी वो करा था, लेकिन किसी को टारगेट नहीं किया गया, एफआईआर हमारे वालिद साहब के खिलाफ करी गई। क्या रीज़न है उन्हें टारगेट करने का? रीज़न ये था कि जब थाने में एफआईआर एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है, वो दो एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, एक हमारी तरफ से सबमिट हुई और दूसरी लोकल रेजिडेंट से सबमिट करी, और 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक एफआईआर नहीं कटी है, अभी तक जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने वहाँ आके पैसे पकड़ाए और माइक पे बोला है कि झाड़ू को वोट दीजिए, उसको सिर्फ पूछताछ करके भेज दिया गया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने, लेकिन हमारे वाले साहब के खिलाफ 3 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और मैं कहती हूँ 7 से 8 बजे के करीब एफआईआर आ गई थी, जर्नलिस्ट के पास भी आ गई थी, लेकिन ये लोग, आप इनका रात के 2:30-3 बजे पुलिस, कम से कम 70-80 पुलिस वाले
हमारे घर में घुसे। हम चार लोग थे घर में, तीन औरतें और एक आदमी, उसमें मेरे वालिद साहब थे, और हम चार लोग थे घर में। ये करीबन 2:30-3 बजे की बात है, ये लोग हमारे घर में घुसे, दीवारें लांग के घुसे। ये पुलिस है या ये गुंडे हैं, ये चोर हैं या ये पुलिस है कि ये दीवारें लांग लांग के घर में घुस रहे हैं, और घर में घुसने के बाद इन्होंने दरवाजा तोड़ के घुसे। लेडी कांस्टेबल्स इनके पास नहीं थी, मैंने दरवाजा लॉक कर लिया था कि जब तक लेडी कांस्टेबल्स नहीं आएंगी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप लेडी कांस्टेबल आए मैं फौरन दरवाजा खोल दूंगी, आपको जो अरेस्ट करना है करिए, हम नहीं डरते किसी से। लेकिन लेडी कांस्टेबल्स नहीं थी तो इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, और दरवाजा तोड़ने के बाद मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मुझे मैन हैंडल करा गया। मुझे मैनहैंडल किया गया, मेरे हाथ में फोन था, मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि देखिए किस तरह बिना लेडी कांस्टेबल्स के ये हमारे कमरे में घुसे आ रहे हैं। तो मेरी उंगली में भी चोट आई है, मेरे बैक में भी चोट आई है। रात हम अपोलो हॉस्पिटल गए थे एमएलसी कराने, और देखिए इनके अंदर इस कदर का खौफ है, इस पुलिस में, इस 70 पुलिस वाले एक इंसान को अरेस्ट करने आए थे। आप ये देखिए किस कदर खौफ और डर में है ये पुलिस हमारे आने से। इन्हें दिख रहा है कि ये लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं, ये लोग पावर में वापस आ रहे हैं, और जैसे ही आएंगे, अभी तो हम आए भी नहीं हैं, कल ही हमने इनके ज्यादतियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन्हें यही डर बैठ गया कि अगर हम पावर में आ गए तो हम इनकी सारी ज्यादतियां इस इलाके की खत्म कर देंगे। जो आम आवाम के खिलाफ ज्यादतियां हो रही है उस पर हम एक्शन लेंगे। हरीबा एक सवाल है, हरीबा, इंसिडेंट पूरा हो रहा था ना, वो आज शाम के घर आ गए थे क्या?